गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो गया 12:50 हो गया, दिन गया ना 12:50 हो गया। अभी मैं इस वक्त हूँ अभी रिवाल्जर में, जो हम लोग बोलते हैं छोपे माँ, अगर हिंदी में बोलेगा तो रिवाल्जर, एक जगह का नाम है रिवाल्जर, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये है रिवाल्जर का लेक, झील, रिवाल्जर का झील है ये। गुरु बच्ची का है अपना बहुत बड़ा स्टेचू है मेरा, ये पवित्र जगह है, और आप लोग त्रियात्री भी कर सकते हैं ना यहाँ आना है तो। मंडी से ना, जब आप लोग यहाँ पे इस लोकेशन में पहुँचना है तो मंडी आना पड़ेगा। मंडी से आपको बस लोकल बस मिलेगा रिवाल्जर के लिए ना। और यहाँ अभी पहुँच गया रिवाल्जर, आज रात रहेंगे, कल निकल जाऊँगा फिर यहाँ से ना, धर्मशाला के लिए निकल जाऊँगा। यार इतना टूरिस्ट है भी नहीं यार, क्योंकि ना एक तो यार मौसम के कारण से। कल रात मैं बैठा था होटल, तो ये अपना गोम्बा का है ना, मोनेस्ट्री का एक होटल है, ये दिखाई दे रहे, ये पीला वाला है ना, ये सामने है, ये वाला होटल में बैठा था गोम्बा का ना। मैं रोज अभी भी ये जो रिवाल्जर है, मैं तीसरी बार है, अभी तीसरी बार मैं आ रहा हूँ, तीसरी बार मैं उसी पूरा का पूरा होटल गोम्बा के सामने बैठा है। सस्ता है, 300 रुपये का भी है, 400 रुपये का है, 500 रुपये का, तीन तीन ऑप्शन है ना आपको ना। होटल काफ़ी अच्छा है, शायद ये निगमा का है मेरे ख्याल से ना, ये निगमा का है शायद। अब देखो यार मौसम अचानक चेंज हो जाए यहाँ पे ना। गुरु पद्मा संभव, देख लो भाई नज़ारा रिवाल्जर का, पूरा मौसम पूरा फॉगी फॉगी है। कल रात तो दवा की बारिश गिर रहा था यहाँ पे ना, पूरा बादल छाया हुआ है, अभी तेरे को हल्का हल्का बारिश गिर रहा है ना। यहाँ पे एक कैफे भी है, शायद अंदर वैसे तो बंद है, अभी देखते हैं फिर अंदर खुलता है नहीं खुलता है। ये कैफे में जाएंगे, थोड़ा चाय भी पियेंगे। वाडू दिले कुछ ला, वाडू दिले कुछ है रे, लस 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 लस। बारिश कितने शुरू हो गया, बारिश स्टार्ट हो गया भाई। मैंने ना बाइक ऊपर मेन रोड पे पार्क किया हुआ है, वैसे तो आप यहीं से भी आ सकते हैं, ये वाला रोड से भी आ सकते हैं नीचे ना, लेकिन काफ़ी चढ़ाई है। चलो यहाँ से चढ़ते हैं, फिर जूता निकालना पड़ेगा है ना, जूता निकाल देते हैं भाई। चलो भाई नहीं तो यहाँ से भी ये वाला सीढ़ी भी जा सकते हैं, लेकिन बंद है, बंद है शायद, लिखा हुआ है ना, ताला भी लगा हुआ है, नो एंट्री शायद। ये वाला ये मूर्ति के सामने आ जाता है। हिमाचल में तो मौसम बहुत ही ख़राब है यार, वैसे वैसे बारिश का सीज़न भी है ना। मौसम बेईमान है भाई, वैसे तो यहाँ पे भी एंट्री है, शायद ये भी बंद है। चलो कोई नहीं, आपको दिखाता हूँ यहाँ, ये ताला लगा हुआ है, बंद है।
आपको दिखा के बाद अंदर में। वैसे ये खुलता है ना पहले, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है ना, और ये जो दर्शन करने वाला है कोई भी नहीं है ना, इसलिए बंद है ये, है ना। नहीं तो ये और नीचे वाला खुला रहता है पहले 24 घंटा, है ना। अभी कोई टूरिस्ट नहीं है, और यहाँ भी त्रि यात्रा करने वाला भी नहीं है, इसलिए पूरा बंद है। मौसम भी वैसे भी ख़राब भी है ना। मौसम ख़राब है। गुरु पद्म संभव, हम लोग गुरु रूपी जी भी बोलते हैं, गुरु पद्मा संभव भी बोल सकते हैं। ये झील में ना मच्छी बहुत है, ये ये है बॉर्डर लैम आ गया ना, बॉर्डर लैम इसको ऑफर भी कह सकते हैं आप। ये बड़ा बड़ा रखा हुआ ना बॉर्डर लैम में। लामा जी को बोल गए ना, नहीं तो ये बंद था ना, इसलिए मैंने लामा जी को बोला मैं अंदर दर्शन करता हूँ, थोड़ा वीडियो ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए खोल देना। तो ठीक है बोलो। लाइट नहीं है यार, आज सुबह से लाइट नहीं है, है ना। यहाँ भी लाइट नहीं है। चलो थोड़ा 5 मिनट के लिए पूजा करता हूँ। ये है कैफी, चलो देखते हैं फिर कैफी। वैसे तो पूछा तो चाय चूय कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे ना वो ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं है बोला ना। देखते हैं फिर अंदर कुछ पीने के लिए है तो पी लेंगे,
नहीं तो यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हल्का हल्का फिर बारिश गिर रहा है। पता नहीं यार, मौसम भी अजीब सा है यहाँ का ना। अभी धूप निकल रहा है, थोड़ा सा निकल रहा है, फिर बारिश गिर रहा है भाई। ये है रिवाल्जर का गांव। अभी दर्शन दर्शन तो हो गया, अंदर का पूरा दर्शन तो कर लिया, आपको दिखा भी दिया। अभी थोड़ा रेस्ट करते हूँ, थोड़ा कैफे में हूँ, कैफे ये वाला। ठीक है, गुम्बा के सामने है, मंदिर के सामने कैफे है। ठीक है, बढ़िया जगह है, बैठने की जगह सही है। वो हॉट ड्रिंक्स नहीं था, ये कोक ले लिया पीने के लिए, नहीं कोक ले लिया। अभी मैं सोच रहा था यार, ऊपर जाऊँ, सोच ना ऊपर एक गुफा है, यहाँ से तकरीबन कितना 5 किलोमीटर तकरीबन आगे एक गुफा है, जो गुरु पद्म समा का ना एक गुफा है, वो इम्पोर्टेंट है ना गुफा। और गुफा भी है, और इनका गुरु रूप जी का जो पाँव का जो छाप होता ना, छाप भी है उसमें है ना। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें, इसके बीच में जो रोड है ना, दो जगह पे लाइन स्लाइड आ रखा है, दो जगह पे लाइन स्लाइड है। तो गांव वाले बोला आगे रास्ता भी नहीं है, या तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, पैदल तो यहाँ से काफ़ी दूर है ना, और बारिश भी गिर रहा है हल्का हल्का। तो सोच रहा हूँ यार, अगर नहीं जा पा रहा हूँ ऊपर है ना, नहीं जा पा रहा हूँ, लाइट भी नहीं आ रखा है यार, सुबह से लाइट नहीं है अभी यहाँ में ना, कुछ भी नहीं है लाइट यहाँ। और मनाली का सेम प्राइस, सेम जैसा है यहाँ हालत है ना। पता नहीं बोल दो रहा तो कल इतना बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रहा बोलो ना। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, मोबाइल पे तो बैटरी डाउन है, इनका भी दोनों के बैटरी डाउन है, गोप्रो और इनका भी। चलो देखता हूँ फिर नीचे जाके ना, शाम को बाई चांस आ भी गया तो लाइट है ना, शाम को चार्ज कर लेता हूँ, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ। मैं जाने के लिए तो मैं कल निकलना था यार, कल निकल जाऊँगा 10 बजे, तकरीबन 10 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। देखते हैं अभी, अगर वो सारा गढ़ वाला रास्ता सही रहा तो मैं वहीं से निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा वो आसान पड़ेगा रोड है ना, कुछ किलोमीटर्स का असर पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में फिर। कैफे का बैठने का जगह सही है, कुछ भी नहीं है यार ना, अभी तो टूरिस्ट कुछ एक भी नहीं है यार यहाँ पे ना, पूरा खाली खाली था, होटल भी खाली है और रेस्टोरेंट भी, कुछ रेस्टोरेंट तो पूरा बंद ही है, दुकान एक दो रेस्टोरेंट खुला हुआ है बस, बाकी पूरा बंद है, कुछ भी नहीं है। मनाली भी यही हाल है, यहीं भी है, यहाँ पे भी हाल यही है। अभी फिर तेज बारिश की जगह है।